जन जन की आवाज़ जीएन भारत फिर से आपको एक्सक्लूसिव खबर लेकर आ रहा है। और एक्सक्लूसिव खबर अब ये है कि सीपी सिंह जो कि रांची के विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी पे फिर से हमला बोला है और मांडर चुनाव को लेकर ठीकड़ा जो है उनके सर पर फोड़ दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो मुस्लिम कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इनको भाजपा माइनस करके ही चले। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि इनको माइनस करके ही चले, क्योंकि इनका वोट आपको कभी नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है हमारा नारा, मोदी जी का नारा है। लेकिन जो सबका विश्वास है, विश्वास ये लोग हम लोग पे कर नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ओवैसी के आने से समीकरण थोड़ा बदला है। जो वोट बैंक है, मुसलमान जो है वो और ज्यादा उत्तेजित हो गए कि नहीं, हमें नहीं देना है वोट भाजपा को, कांग्रेस को हमें वोट देना है। सीपी सिंह ने बहुत कड़े शब्दों में अब मांडर चुनाव को लेकर अपनी बातें रखी है। आइए सुनते उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, मांडर चुनाव में यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है और बंधु तिर्की जी की जीत हुई है। मैं नहीं मानता कि मांडर में कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन टेक्निकली आप देखेंगे तो शिल्पा नेहा तिर्की कांग्रेस के उम्मीदवार थी, बंधु तिर्की जी भी कांग्रेस में हैं। ये कह सकते हैं कि भाई वहाँ से कांग्रेस पार्टी जीती है। हम लोगों ने, पार्टी के हमारे नेताओं ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया था, लेकिन समीकरण कुछ ऐसा बना कि उस समीकरण में हम हार गए। वोट हमें पिछले चुनाव से ज़्यादा मिला है, उसके बाद भी हार गए। मैं अभी देख रहा था बिजूपाड़ा मंडल, पार्टी की दृष्टि से बिजूपाड़ा मंडल है तो एक जगह छोड़कर हर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी लीड की है, लेकिन बहुत ज़्यादा लीड की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी तरफ एक समुदाय विशेष के लोग भारी संख्या में मतदान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में करते हैं। ऐसे दो समुदाय हैं, एक मुस्लिम समुदाय और दूसरा क्रिश्चियन समुदाय। हमारे आदिवासी भाइयों का भी वोट मिला, सदानों का भी वोट मिला, फिर भी हम पिछड़ गए। तो जीत जीत होती है। मैं बंधु तिर्की जी को, उनकी सुपुत्री को जीत की बधाई भी देता हूँ और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी इसकी समीक्षा भी करेगी कि हमारे, और समीक्षा करने के बाद सिर्फ समीक्षा ही नहीं करेगी, मांडर चुनाव में अगले 2024 में हम कैसे जीतें इसके लिए रणनीति बनाएगी। उस रणनीति पर दो साल का जो समय बचा हुआ वो काम करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जरूर जीतेगी। आपको लगता है ओवैसी के आने से समीकरण थोड़ा बदला है? नहीं नहीं, देखिए ओवैसी का बात तो मैं नहीं मानता हूँ। क्या समीकरण बदला? लोग मुगालते में थे कि मुस्लिम वोट ओवैसी के आने से बटेगा, लेकिन भाई मैं खुलेआम बोलता हूँ कि मुस्लिम वोट के मामले में बहुत समझदार है, राजनीतिक परिपक्वता बहुत ज़्यादा है, और यही कारण है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए देखा कि भाई जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो मुकाबला में है, तो उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। यदि उन्हें लगता कि कांग्रेस मुकाबले में नहीं है, यानी बंधु तिर्की मुकाबले में नहीं है, तो देवकुमार धान को वोट देते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ये दो समुदाय भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट देता नहीं है और आगे भविष्य में देगा भी नहीं। मेरे जैसा व्यक्ति क्लियर कट बोलता है कि भाई उनको माइनस करके ही चलने में फ़ायदा है, क्योंकि मैं इसमें विश्वास करता हूँ कि यदि परीक्षार्थी हूँ तो परीक्षा देने गया हूँ तो जो सबसे आसान जो क्वेश्चन है पहले उसी को हल करेंगे। भारी क्वेश्चन है, कम जानते हैं, नहीं जानते हैं, पहले उसमें क्यों माथा पच्ची लगाएंगे? तो भैया अब की राजनीति में बिल्कुल मुसलमान और क्रिश्चियन को माइनस करके ही काम करने में भलाई है।
तब भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। नहीं नहीं, सबका साथ सबका विकास वोट में तो नहीं होगा ना, हम कहते हैं ना, मोदी जी कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यानी सबको साथ लेके चलेंगे, सबका विकास करेंगे और सबको विश्वास में लेने का कोशिश करेंगे। दो काम तो हम कर पा रहे हैं, लेकिन जो अंत वाला विश्वास है ना, ये विश्वास हम भले ही करें वो हम पर विश्वास नहीं कर रहा। उनका एक फार्मूला है मुस्लिम समुदाय और क्रिश्चियन समुदाय का कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देना है, तो हमारे अगेंस्ट में हमेशा रहते हैं। अब इसके पीछे कई कारण हैं, मैं उस कारण में भी नहीं जाता हूँ, रिमाइंडर चुनाव पर ही करता हूँ। आने वाले चुनाव की रूपरेखा के बारे में मेरे विचार में जो था मैंने बताया, मेरा व्यक्तिगत विचार है। तो आपने सुना कि सीपी सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि जो मुसलमान और जो क्रिश्चियन है ये हमेशा से भाजपा विरोधी रही है, ये दोनों कभी भाजपा के साथ नहीं रहे हैं, इसीलिए मांडर चुनाव सिर्फ इसीलिए हारे हैं, तो ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमें ये पता था। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप देख रही है जीएन भारत, मैं शिखा श्रेया रांची से, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।